कि शैलेंद्र कोरी को न्याय दिलाने के लिए केवल लोग फिरोजाबाद से चल के नहीं आए हैं, भले चाहे तथा कथित बड़े बड़े संगठनों ने उसका धरने में यहाँ पे नहीं आए हैं, समर्थन नहीं किया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये कुछ युवा हैं जो अपने साथियों के साथ अमेठी से चल के यहाँ पे आए हैं और साफ साफ लिखा है उन्होंने एमबीबीएस छात्र शैलेंद्र कोरी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर वो आए हुए। जितने बड़े संगठन हैं उन्होंने इस लड़ाई से अपने आप को पीछे खींच लिया, लेकिन ये आप लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए। क्या नाम है आपका? शिव नारायण कोरी। शिव नारायण जी, क्या सुना था आपने जो आप अपने टीम के साथ यहाँ पे आए? हम यहाँ पे सर सुने थे कि शैलेंद्र भाई शैलेंद्र कोरी को वहाँ पे फांसी लगा के मार दिया गया ये सुने थे, मतलब पूरी बात भी नहीं पता थी, लेकिन क्या है कि समाज का एक व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने आए जी। तो इतनी इतनी बात सुनते ही हम लोग रातों रात अपनी तैयारी किए और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। किस संगठन से हैं? हम जो हैं नागवंशी कोलीपुरी शाके ज्ञान सभा से। अच्छा, आप एक संगठन चला रहे हैं, क्यों लग रहा है कि किस तरह से ये जो घटनाएं बढ़ रही कोरी समाज में, क्या वजह लग रही है? इसमें सर हमारी हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि पहली चीज ये है कि हम जो इधर उधर की बातें करते हैं अपने समाज की बातें नहीं करते, क्योंकि हम दूसरे पे गौर करते हैं और दूसरे को गौर करते हैं तो दूसरे लोग हम लोगों को सिर्फ टॉर्चर करते हैं और हम टॉर्चर होते जा रहे हैं तो हम लोगों को पूरा स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसी वजह से अगर मिलता भी है तो जो ग्रेजुएट होते हैं उनको सबसे क्या कहते हैं उनको नीचे वाला पद दे दिया जाता है, जो सबसे कम पढ़ाई करते हैं, और जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो रिजल्ट में सबसे पीछे रहते हैं, और जो ज़्यादा करते हैं वो सबसे पीछे रह जाते हैं, और जो सबसे पीछे हैं उनको आगे कर दिया जाता है। इसलिए कोरी समाज को हर तरफ से दबाया जा रहा है। अच्छा, नेताओं का क्या रवैया रहता है आप लोगों के? सर जी, नेताओं के लिए क्या कहें, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि दूसरे संगठन जो अभी तक यहाँ नहीं आए बात करने के लिए। अभी सर वो बात इसलिए आए नहीं आए क्योंकि वो भी आज नहीं आए। कोई बात नहीं, आज जो भी प्रस्ताव डाला गया है उसके लिए मांगे की गई हैं, अगर ये सुनवाई हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे बड़ा एक्शन लिया जाएगा जी। तो ये लोग अमेठी से चल के यहाँ पर आए हुए हैं, आप कुछ कह रहे हैं? इन्हीं की बातें कह रहे हैं, तो इनका भी ये कहना है कि अगर अभी तुरंत एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा शैलेंद्र को न्याय दिलाने के लिए।